सलमान से भिड़ गए देवकी नंदन, ठाकुर जी निकाल दे बिग बॉस की हेकड़ी, राम का अपमान करने वाला कैसे हो सकता है विजेता। खुल्लम खुल्ला बिग बॉस को दे दिया चैलेंज, एक दहाड़ सुनकर कांप उठा बॉलीवुड, जिसने किया माता सीता का अपमान उसी को जब दिया सम्मान तो खोल उठा सच्चे सनातनी का खून। और फौरन कुछ ऐसा हुआ एक्शन, अब कोई भी हिंदू नहीं देखेगा बिग बॉस। जी हाँ, माता सीता को पूरा सनातन सती मानता है, लेकिन एक लंपट कॉमेडियन ने कभी माता सीता का मजाक उड़ाया और बिग बॉस ने उसी को जीत की ट्रॉफी थमा दी। भले ही बिग बॉस खत्म हो चुका है, लेकिन अब विरोध इतना तेज हो चला है कि बिग बॉस शायद फिर से कभी ऑन एयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मुनव्वर फारूकी जैसे लंपट कभी भी माता सीता को लेकर मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। ऐसा क्या हुआ और आगे क्या होगा, जरा डिटेल में समझते हैं। अगर आप बिग बॉस देखते हैं और आपने भी मुनव्वर फारूकी को वोट किया है तो आज कुछ चुभने वाली बातें आपको सुननी चाहिए। जहां हाल ही में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा, जहां कई राम भक्त देखने को मिले, वहीं आज हमारे देश के कुछ लोगों ने अपने वोट के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों को विजेता बना दिया जिसने भगवान राम और माता सीता का अपमान किया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ जहां लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा चुकी है। अब ये लोग ही तय करें कि क्या वो असल में राम भक्त हैं या अपने धर्म को मजाक बनाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और राम भक्ति का सिर्फ ढोंग और पाखंड करते हैं। साल 2020 का एक वीडियो आज भी सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस वीडियो में मुनव्वर फारूकी माता सीता को लेकर मजाक उड़ा रहा है। इस वीडियो में मुनव्वर फारूकी मेरे पिया घर आया ओ राम जी गाने में राम जी और सीता जी को लेकर मजाक उड़ा रहा। राम जी के 14 साल बाद वनवास से लौटने की बात को लेकर वो बहुत हल्की और फूहड़ बातें कर रहा है। मुनव्वर फारूक के इस वीडियो में कहता है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव अबाउट पिया। राम जी तो कह रहे हैं कि मैं खुद 14 साल से घर नहीं आया, अगर सीता ने सुन लिया तो वो भी उन पर शक करेगी। सीता को तो माधुरी पर पहले से ही शक है, क्योंकि वो उससे लग रहा था कि माधुरी के गाने तेरा करो गिन गिन इंतजार में वनवास गिन रही है, इसलिए वो 14 पर रुकी हुई है। देवकी नंदन ठाकुर जी ने अब सीधा सीधा बिग बॉस के ब्रॉडकास्टर्स को ललकारा है, और जो हमारे देवताओं का अपमान करने वालों का सम्मान करे भला वो कैसे भारत में रहे। देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा कि अब बिग बॉस और सलमान खान और उसके चंपुओं को संभल जाना चाहिए, हिंदुओं को जागना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके। वैसे भी जरा सोच कर देखिए, अगर हिंदुओं ने एकता दिखाई तो मुनव्वर फारूकी जैसे लोग कैसे हवा हो जाएंगे। बिग बॉस की टीआरपी दहाड़ मार कर रोएगी। टेलीविजन इंडस्ट्री में टीआरपी में करीब 51% शेयर सिर्फ हिंदुओं का है। अगर सारे हिंदू भाई एक हो जाएं तो किसी भी बड़े से बड़े स्टार की फिल्म का हाल लाल सिंह चड्ढा की तरह कर सकते हैं। बस देवकी नंदन ठाकुर ने आईना दिखाने का काम किया है। अगर अब नहीं चेता बिग बॉस और सलमान खान तो लाल सिंह चड्ढा बनते देर नहीं लगेगी। आपका क्या मानना है हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।